यूहन्ना 4:24 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले या उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा सच्चाई से उसकी स्तुति करें, उसका भजन करें, उसकी संगति करें। गॉड इज ए स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, आप उसे शरीर से प्रसन्न नहीं कर सकते। He does not require your physical strength to worship Him. He needs your spirit because God is spirit. उससे आपकी आत्मा की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर खुद एक आत्मा है। आत्मा से आत्मा का मेल मिलाप हो सकता है, आत्मा से शरीर का मेल मिलाप नहीं हो सकता। रोमियो 8 में लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में रहती है और शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। कई सारे लोग अपने जीवन में बहुत दुख लेकर आ जाते हैं, कलेश लेकर आ जाते हैं। Why? They use their physical strength. वो अपने शारीरिक बल को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को सफलता देने के लिए और वे एक धोखे की आत्मा में फंस जाते हैं कि ईश्वर उनको गाइड कर रहा है। When God uses you, He doesn't want your physical strength. जब ईश्वर आपको उपयोग करता है उसे आपके शरीर का बल शक्ति नहीं चाहिए। He wants your desire, उसे आपकी इच्छा चाहिए, उसे आपका समर्पण चाहिए। यदि आपके अंदर एक सच्ची इच्छाएं है, समर्पण है कि आप उसके लिए जीना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, then you will be in spirit and truth. फिर आप आत्मा में सच्चाई में होते हैं। You can please God anytime. आप परमेश्वर को कभी भी महिमा दे सकते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आराधना करने से पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, गॉस्पल देने से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। सी, हम यहां जो भी आराधना करते हैं कभी प्रैक्टिस नहीं होती, ऑन द स्पॉट नो प्रैक्टिस एट ऑल। अगर आत्मा सच्चाई से आप आराधना करते हैं, डजंट नीड एनी फिजिकल स्ट्रेंथ।